सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है दीपिका कांत, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 5:30 बजे से, और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं चौरास पुल से। तो आज बहुत ही ज़्यादा बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि कुछ कंटेंट है ही नहीं डालने के लिए, कमरे में क्या करना है। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने चौरास की तरफ, और हमें आज बहुत सारे, तो ये है सोनाली और ये है आरुषि मेरी बगल पड़ोसी नई वाली, और ये है मेगा, ये है दक्ष, और हम जाएंगे आज घूमने। तो बहुत टाइम बाद अच्छा लग रहा है, सबके साथ घूमने का बहुत अच्छा मजा आता है, तो इसीलिए बने रहे ब्लॉग। अभी सामने सनसेट होने वाला है, और मोटी लग रही हूँ ना मैं, है यार कैसा लग रहा है आरुषि हमारे साथ पहली बार घूमने आए, मस्त लग रहा है ना। तो चलिए गाइस, पहाड़ों में जैसे ब्लॉग बनाते हैं ना, तो ऐसे कैमरा उठाओ तो सब लोग ऐसे देखते हैं घूर घूर के कि ये क्या कर रहे हैं। तो किस के साथ ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चाय करो। तो पब्लिक प्लेस में जो है ब्लॉग बनाना भी आना चाहिए, तो अंदर ही अंदर बनाओ तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो ये देखो सामने घस्य महादेव, और कितना अच्छा लग रहा है ये सब श्रीनगर, और नदी का पानी भी देख सकते हो, बहुत कम मूर्ख है। मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ तक पहुँचता रहता है, और सामने वहाँ तक, तो आजकल पानी बहुत, इसमें पानी नहीं है। बोल दो चू कैसा लग रहा है, बोल वाओ। हाय पहला, अच्छा वाओ, बोल वाओ, बोल वाओ। सारी पसीना आ गई है। सोनाली कैसा लग रहा है? सोनाली तो बहुत टाइम बाद आ रही है, सोनाली को अच्छा फील हो रहा होगा क्योंकि ये नहा के आई है और हम भी नहाए हैं, है ना। तो मैं यहाँ से आपको ना वो दिखाती हूँ, क्या शनि मंदिर का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से। वो शनि मंदिर सामने मंदिर है, बरगद का पेड़ है वहाँ पे, ये सामने है जो ये दिख रहा है, ये है बरगद का पेड़। और जो नदी का जल स्तर बहुत ही ज़्यादा कम हो रखा है, और जब बरसात में इतना भयानक रूप ले रखा था नदी का, और यहाँ पे देखो ये पूरा नीचे जा रहा है। ये है छोटा सा पार्क, काफ़ी छोटा सा है। तो ये देखो कितना सुंदर फूल का पेड़ है यहाँ पे, और ये देखो मेरा दक्षु हो गया है खुश। तो जब मैं इस पार्क में आई तो मुझे याद आया कि मैं इसमें आई थी पहले मेरी दीदी जिया जी के साथ, और तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब उस टाइम पे आई थी मैं, लेकिन हम उस टाइम हम मंदिर में नहीं गए, यहीं पे हम घूमे और कॉलेज के रास्ते घर चले गए थे। मंदिर में चलते हैं ना सोनाली, फिर उसके बाद जाएंगे हम, पहले मंदिर चलते हैं ना, क्योंकि मंदिर के अभी हम यहाँ भी जाएंगे। हो गया अलाउड जाना, जा रहे हैं लोगों ना वहाँ से, एक वो उसे पर सवेर हम तो घूमर छाया है ना, ये खींचो बुनो में ये बटा पिछने से रास्ता जा ला, हम जाना तो फिर लोग जाएंगे हम वहाँ भी। हाँ तो जा तो रहे, अब हम जा रहे हैं मंदिर में। मंदिर भी है, और सामने आपको पैसे चढ़ाने होंगे तो एटीएम भी सामने पे है, है ना। तो चलते हैं मंदिर में। ये भगवान जय जयकार, भगवान जी को हाँ जय करो, हाँ भजन करो, भजन भजन बैठ के करते हैं ना, हाँ भजन करो। ये है माता बंसुरी देवी का मंदिर, ऐसा कुछ लिखा था बाहर से, मैं भी पहली बार आई हूँ यहाँ, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत सुंदर और बहुत ही शांति मिली यहाँ पे आके। तो मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, और आरुषि तो भी फर्स्ट टाइम आई ना। हाँ फर्स्ट टाइम। और कैसा लगा? बस सोनाली तो आई है ना पहले भी, सोनाली तो आ रखी है, मैं फर्स्ट टाइम आई यहाँ पे। तो अब धीरे धीरे चलते हैं घर की तरफ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए
ये यहाँ पे वन देवी का मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे चूड़ी वगैरह चढ़ा रखी है, तो माता रानी का मंदिर है, तो माता रानी का सुहाग की जो निशानी होती है वो यहाँ पे चढ़ा रखी है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है शिव जी का मंदिर। तो यहाँ पे शिवलिंग की पूजा ये आंटी जी कर रही हैं। यहाँ पे पूजा वगैरह होती होगी, हवन कुंड है ये यहाँ पे। और ये सामने देख सकते हो आप मंदिर, बहुत ही अच्छी शांति मिलती है मंदिर में आके। तो हम काफ़ी देर अंदर बैठे रहे, तो लोग पूजा कर रहे थे, हमने टीका वीका नहीं लिया है। तो यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर, ये पूरा पार्क एरिया है यहाँ पे बैठने के लिए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल लगाए हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने दर्शन किए, उसके बाद हम आ गए हैं घर की तरफ। हमने जाना था पार्क में घूमने के लिए, तो वहाँ रात भी हो गई थी जाने के लिए, और कॉलेज वालों ने मना भी कर दिया था, क्योंकि जो चौरास के हैं तो उन्हीं को आने दिया उन्होंने इस टाइम पे, तो अभी उन्होंने मना कर दिया। वैसे जाने तो देते हैं, हम बहुत बार गए हैं, और इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा वो भी नहीं करा, और रात भी हो गई थी, इसीलिए हम गेट से ही वापस आ गए। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। देख सकते हो आप श्रीकोट साइड पूरी लाइट वाइट जल गई है, तो अब चलते हैं घर की तरफ। उसके बाद कुछ टाइम छत में रहे, फिर उसके बाद नीचे आए, हमारा खाना भी बन चुका है। अपने लिए बनाए मैंने कद्दू की सब्जी और रोटी अपने लिए बनाई, और दक्षू के लिए बनाया मैंने हलवा। तो आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं था, तो पर फिर भी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं दीपका खान मिलूँगी और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।